भरतपुर में कोरोना के ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पॉजिटिव कोरोना के जो मरीज हैं उनके ग्राफ ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना संक्रमण को लेकर जिला हॉटस्पॉट बनने लगा है। पिछले 6 दिन से लगातार पॉजिटिव केसों की संख्या में यहां पर वृद्धि हो रही है, जो कि बेहद चिंताजनक है। कल देर रात्रि को जहां 22 पॉजिटिव केस आए थे, वहीं आज सुबह मिली रिपोर्ट में 48 केस पॉजिटिव मिले हैं। जिले में अब तक 367 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। इन संक्रमितों में कलेक्ट्रेट के कर्मचारी भी शामिल। हालांकि राज्य के स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। एसपी और डीआईजी के गनमैन के अलावा एसपी के पुत्र सहित स्टाफ के अनेक पुलिसकर्मियों के कोरोना पॉजिटिव आने से चिंता बढ़ गई है। हालांकि जिला कलेक्टर नथमल डिडेल की ओर से नगर निगम क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है और सब्जी मंडी को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता भरतपुर से राजेंद्र शर्मा जति फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, देखिए, जो राज्य मंत्री सुभाष गर्ग है उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। उन्होंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया था जब अपडेट उनको मिली। फिलहाल किस प्रकार के इंतजाम, क्योंकि यहाँ पर जो है कोरोना का खतरा जो है वो बढ़ने लगा है। जी मनीष, मैं बताना चाहूंगा, भरतपुर में भी कोरोना को लेकर के डर और दहशत का माहौल दोबारा से बनने लगा है। जी 6 दिन के अंतराल से जो डेली रिपोर्ट आ रही है कोरोना पॉजिटिव की, वो डेली 3 दर्जन से अधिक रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो इस तरह से रोजाना 40-50 के शायद कोरोना पॉजिटिव के मिल रहे हैं। आज भी मतलब रात से लेकर अभी तक माना जाए तो 64 केसेज कोरोना पॉजिटिव के मिले हैं। कुल मिलाकर के भरतपुर में अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या 361 पर पहुंची है। जी, और स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उसके बारे में बताया है कि पिछली बार जो स्वास्थ्य गर्ग भरतपुर आए थे, जनाना अस्पताल का दौरा किया था, तो उस समय डॉक्टर सुभाष गर्ग जो उसमें प्रभारी थे तो वो उनके साथ रहे थे, और डॉक्टर सुरेश गर्ग की रिपोर्ट जो आई थी वो पॉजिटिव आई थी। तो इस वजह से सुभाष गर्ग ने खुद को ही मतलब होम क्वारंटाइन करके अपना टेस्ट कराया था। तो आज उनकी कल शाम को जो रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव आई है, उससे रात की सांस मिली है। हालांकि डॉक्टर सुरेश गर्ग के जो बेटा डॉक्टर है मेडिकल कॉलेज में, वो भी पॉजिटिव आया, उसकी पत्नी भी पॉजिटिव आए, और लोग भी जुड़ रहे हैं। आज भी केसों की संख्या बहुत भयावह रही है। जो पॉजिटिव का आंकड़े हैं वो डेली बढ़ते जा रहे हैं। इस बात को लेकर के जिला प्रशासन और सरकार की ओर से भी चिंता बढ़ी है। बिल्कुल राजेंद्र, तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। तो भरतपुर से अपडेट दे रहे थे हमारे संवाददाता किस प्रकार से अभी चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग की रिपोर्ट भी जो है वो नेगेटिव आ चुकी है।